भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। यहाँ बहुरंगी संस्कृतियों का संगम है और भारत की बहुमूल्य विरासत है। पूर्वोत्तर सीमा रेल इसी विरासत के सौंदर्य, सभ्यता और संस्कृति की धारा को एक सूत्र में पिरोती आ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का रेल मार्ग से जुड़ने का शुभारंभ 1881 में हुआ। इसी वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेल टॉय ट्रेन शुरू की गई थी। यह रेल लगभग 66 साल का सफर तय कर चुकी थी। तभी भारत का विभाजन हो गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र एक तरह से देश से कट गया। पूर्वोत्तर को शेष भारत से फौरन जोड़ने के लिए साल 1947 में असम रेल लिंक परियोजना शुरू की गई। 1948 में किशनगंज से फकीरा ग्राम तक 142 मील लंबी रेल लिंक लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा कर दिसंबर 1949 में यातायात के लिए खोल दिया गया। यह देश की पहली इंजीनियरिंग परियोजना थी जो इतने कम समय में पूरी की गई। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को गति देने के लिए 15 जनवरी 1958 में इसे पूर्वोत्तर रेलवे से अलग कर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की स्थापना की गई। अपनी स्थापना से लेकर आज तक पूर्वोत्तर सीमा रेल न सिर्फ प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है, बल्कि अपनी धरोहरों को भी संजोए रखा है। दार्जिलिंग हिमालयन रेल इसका एक उदाहरण है, जिसमें स्टीम लोकोमोटिव अब भी पटरी पर दौड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में रेल यातायात का ये नायाब नमूना है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। दूसरी तरफ नव परिवर्तन की प्रतिबद्धता, पूर्वोत्तर सीमा रेल के तहत गेज परिवर्तन और नई रेलवे लाइनों का काम लगातार जारी रहा। परिणाम स्वरूप आज लगभग पूरा पूर्वोत्तर बड़ी लाइनों से जुड़ चुका है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों की राजधानियों से अब देश की राजधानी तक सीधी गाड़ियां उपलब्ध हैं। देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज बोगीबील परिवहन के लिए खोल दिया गया है, जिसने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर आवागमन को आसान बना दिया है। पूर्वोत्तर सीमा रेल क्षेत्र के इन पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरे इस दुर्गम क्षेत्र में बेहतर रेल सुविधाएं देने का लक्ष्य है, जिसके तहत पिछले 4 सालों में 63 नई रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर सीमा रेल पहली रेलवे है जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में न सिर्फ एसी कोचेस की सुविधा दी है, बल्कि यात्रा के सुखद अनुभव के लिए विस्टा डोम कोच की भी शुरुआत की है। इससे यात्रियों की संख्या में 136% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इन दुर्गम क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को सुचारू रूप से संचालित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलों या जंगलों के बीच रेल लाइनों का रखरखाव, इनका प्रबंधन कठिन कार्य है। लाइनों और पुलों की निगरानी के लिए नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। इन क्षेत्रों से रेल संचालन में एक बड़ी समस्या हाथियों की है। पूर्वोत्तर सीमा रेल में असम से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक रेलें कई रिजर्व वन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। अक्सर यहां हाथी तेज रफ्तार ट्रेनों से टकराकर दुर्घटना के शिकार बनते हैं। इन सभी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लाइनों की घेराबंदी, पुल और रैंप आदि का निर्माण किया गया है। चिन्हित स्थानों पर मधुमक्खियों की आवाज निकालने वाले उपकरण लगाए गए हैं। इन सभी कोशिशों का नतीजा भी सामने आया है। साल 2017 से अब तक 100 से ज्यादा हाथियों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया गया है। पूर्वोत्तर सीमा रेल पिछले 60 साल में पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क सूत्र ही नहीं, बल्कि उद्योग और व्यापार की जीवन रेखा बन चुकी है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आया है। परिवहन से परिवर्तन के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेल पूरी प्रतिबद्धता के साथ रखरखाव और संचालन का कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर रेल के ये कार्य साबित करते हैं कि रेल सिर्फ यातायात का साधन मात्र नहीं, बल्कि पहियों पर दौड़ती सामाजिक आर्थिक विकास की एक संस्कृति है, जिस पर उन्नति की राहें तय की जा रही हैं। प्रगति के लौह पथ पर अग्रसर पूर्वोत्तर सीमा रेल।